हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फाइनली मैंने कोटा फैक्ट्री देख ली, थर्ड सीजन देख लिया। और यार, कोटा फैक्ट्री है ना, एक ऐसा वेब सीरीज है जिसको मैं मेरे फेवरेट्स में रखता हूँ। मतलब पंचायत, मिर्जापुर, कोटा फैक्ट्री, ये तीन चार सीरीज ऐसे हैं ना जो मतलब रिलीज होते ही मैं उनको देखना शुरू करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली कोटा फैक्ट्री मैंने देखना शुरू किया था पर मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था, पर फाइनली मैंने कंप्लीट कर दी है। अब 5 एपिसोड का ये सीजन है एंड ये सीजन पहले जो 2 सीजन थे उससे मैं नहीं कहूँगा एट पार था। मतलब कहीं ना कहीं मुझे इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स लगे, मुझे कम पसंद आया ये सीजन स्पेसिफिकली। एंड प्रॉबेबली इसकी वजह से शायद मुझे इतना टाइम भी लगा देखने को, क्योंकि अगर वेब सीरीज अच्छी होती है ना तो आप कंटिन्यूसली देखते हो उसको, कुछ भी हो जाए उसको कंप्लीट करके ही छोड़ते हो। पर मुझे ये कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लग गया। खैर, मैं बात करता हूँ वेब सीरीज की, ये कैसी है क्या है, बट उसके पहले वो लाइक बटन, शेयर बटन, सब्सक्राइब जो हो सके कर देना। एंड कमेंट करके आप बताना आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी। सो कल की इस दुनिया में कोटा फैक्ट्री देखना मेरे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा, मेरे 1-2 एपिसोड लास्ट के बच गए थे जो मैंने कंप्लीट लेट किया, बिकॉज मुझे पहला 2-3 एपिसोड तक खास लगा नहीं था। थोड़ा अलग था ये सीजन, प्रॉब्ली मेकर्स ने कोशिश की कि कुछ अलग ट्राई करने की, जहाँ पर स्टूडेंट्स से ज़्यादा टीचर्स के प्रॉब्लम्स शेयर किए गए हैं, जो बहुत ही अच्छा है। पर आई थिंक थोड़ा बेटर तरीके से किया जा सकता था, थोड़ा क्लियर तरीके से किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत मिक्स हो गया। यहाँ पर उनके फाइनल एग्जाम्स भी है, मेंस भी है, एंड टीचर्स के भी प्रॉब्लम्स है। जीतू भैया प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज़्यादा खुद प्रॉब्लम्स में फंस रहे हैं। इस बार एक नए टीचर का जन्म हो रहा है यहाँ पर, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है ना जिसकी वजह से कोटा फैक्ट्री का जो मेन एसेंस है वो कहीं ना कहीं मुझे फेड होता हुआ दिखा। बट एनीवेज, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड सीजन नहीं देखे हैं तो मैं आपको कहूँगा पहले वो देखना, उसके बाद आप ये सीजन देखोगे तो लास्ट एपिसोड जो है उससे कनेक्ट कर पाओगे आप। लास्ट एपिसोड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देती है कि क्या होगा, 4th सीजन आएगा तब क्या होगा, क्या वो स्टूडेंट्स की स्टोरी रहेगी, क्या टीचर की स्टोरी रहेगी, क्या कोटा फैक्ट्री की भी स्टोरी होगी या नहीं होगी, क्या जीतू भैया की एक अलग ही टाइप की स्टोरी दिखेगी, क्या नए कैरेक्टर्स होंगे। मतलब बहुत सारे ऐसे आपके सवाल उठेंगे। बट यार, उसकी थियरी अपन बाद में लेके आएंगे या देखेंगे अगर उसके बारे में हमें और कुछ बात करना होगा तो। इस सीजन की मैं बात करूँ, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा ये सीजन मेरे लिए, बिकॉज टोटली शिफ्ट हो गया यहाँ पर जो एसेंस था कोटा फैक्ट्री का पहले 2 सीजन में, वो यहाँ पर मुझे 20-30% ही दिखा। सो आई वॉज डिसअपॉइंटेड। बाकी पहला 2 सीजन देख लो, बहुत बढ़िया है। तीसरा सीजन आप देख लो, बिकॉज 4th सीजन आई एम अज्यूमिंग बेटर होगा। तो यस, मेरी तरफ से कोटा फैक्ट्री के सीजन 3 को मिलेगा 2 स्टार, बिकॉज आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड, बिकॉज ये मेरा फेवरेट वेब सीरीज है जो एक ब्लैक एंड व्हाइट में आता है और एक ऐसी सिचुएशंस आईआईटी के जो अप्लायर्स की होती है, जो एग्जाम्स देते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, उनके ऊपर है। तो उस वजह से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट रहा। बाकी जीतू भैया तो हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहे हैं, एंड चारों बच्चे जो हैं, वैभव, मीना, उदय, वर्तिका, सब बहुत ही बढ़िया रहे हैं सीजन में। पर स्टोरी में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दिया। तो यस, 2 स्टार मेरी तरफ से। बाकी आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना। बाकी टिल देन, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।